बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आई सेट अकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर ए नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। आज हम इस सिलसिले का जो मेन क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है द ओल्ड मैन टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अच्छा, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड होता है, वो वर्ड आप समझ लें, उसको आप बोलते हैं सोलिलोक्वाय। सोलिलोक्वाय का मतलब होता है हम कलामी करना, खुद से बातें करना। तो आज के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, जब ओल्ड मैन खुले समुंदर में अकेला था तो वो ज़्यादातर अपना वक्त गुजारता था, तो वो डिफरेंट चीज़ों से बातें करता था, लेकिन उसके साथ वो अपने आप से भी बातें करता था। और यकीनन इसकी वजह जो है वो उसकी लॉन्लीनेस थी। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें। जी, तो हम शुरू करेंगे द ओल्ड मैन टॉकिंग टू हिमसेल्फ। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ फिशरमैन हु फाइट्स अ हेरोइक बैटल। ओल्ड मैन एंड सी एक मछेरे की कहानी है जो कि एक बहादुर जंग लड़ता है अगेंस्ट द बिग फिश एंड द शार्क्स, बड़ी मछली और शार्क्स के ख़िलाफ़। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एडवेंचर, COURSE, कोर्स का मतलब एक तो नसाब है, कोर्स का मतलब होता है रास्ता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एडवेंचर, अपने मुहिम जुई के रास्ते पर, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बातें करता है, हिज डायलॉग्स अबाउट द फिश अदर क्रिएचर्स ऑफ द सी, उसके जो डायलॉग्स हैं फिश के बारे में, समुंदर की दीगर मखलूकात के बारे में, एंड द बॉय और लड़के के बारे में, रिवील टू अस, वो हम पर जाहिर करते हैं अ लॉट, बहुत ज़्यादा, अबाउट द ओल्ड मैन करैक्टर, ओल्ड मैन के किरदार के बारे में, ओल्ड मैन के किरदार के मुतालिक। जब ये डायलॉग बोलता है लड़के के बारे में, समुंदर के मखलूक के बारे में, समुंदर में पाई जाने वाली फ़िश के बारे में, तो उससे हमें ओल्ड मैन के अपने करैक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। द राइटर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस डिवाइस, राइटर ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया है, डिवाइस का मतलब तरीका, राइटर ने इस तरीके का या इस डिवाइस का इस्तेमाल किया है आप सोलिलोक्वाय, हम कलामी की, फॉर थ्री रीजंस, तीन वजूहात की बुनियाद पे। राइटर ने ये जो सोलिलोक्वाय की डिवाइस को यूज़ किया ना, उसकी तीन वजह हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है, द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ टू गिव सपोर्ट टू हिज सेंस ऑफ लॉन्लीनेस। ओल्ड मैन जो है वो खुद से बातें करता है अपनी तन्हाई के एहसास को मदद देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, एंड सारो और दुख के। वी नो, हम जानते हैं, दैट द ओल्ड मैन इज़ अलोन ऑन द बोट, कि ओल्ड मैन कश्ती पर अकेला है, ही हैज़ ओनली वन फ्रेंड इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में उसका सिर्फ एक दोस्त है, इट इज़ मैनोलिन, ये मैनोलिन है। ही गोज़ टू द एक्सपेडिशन ऑफ हंटिंग, वो शिकार के एक्सपेडिशन पे यानी मुहिम पे जाता है, एंड द बिग फिश, बड़ी मछली के, विदाउट द हेल्प ऑफ द बॉय, लड़के की मदद के बगैर। इन हिज बोट, अपनी कश्ती में, ही कम्स अक्रॉस मैनी डिफ़िकल्ट एंड ऑड प्रॉब्लम्स, उसका आमना सामना होता है बहुत सारे मुश्किल मसाइल के साथ। हिज लेफ्ट हैंड इज़ क्रैम्प्ड, उसका बायां हाथ अकड़ा हुआ है, द फिश इज़ पुलिंग हिम, मछली उसे अपनी तरफ खींच रही है, ही फील्स दैट द फिश इज़ किलिंग हिम, वो महसूस करता है कि मछली उसे कत्ल कर रही है। ही टॉक्स टू द फिश, वो मछली से बात करता है, कम ऑन एंड किल मी, आओ और मुझे मार दो। ही सेज, वो कहता है, इन इस फाइट विद द शार्क्स, शार्क्स के साथ लड़ाई में, ही रिमार्क्स विद रेजोल्यूशन, वो बड़े अज़म के साथ ये जुमला बोलता है, बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफ़ीट, लेकिन एक इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफ़ीटेड, एक बंदे को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। सच रिमार्क्स बूस्ट अप हिज फेलिंग स्पिरिट,
सच रिमार्क्स, इस तरह के जुमले बूस्ट अप उभारते हैं हिज फॉलिंग स्पिरिट्स, उसके गिरते हुए जज्बों को। एंड ही कलेक्ट्स द करेज, और वो जुरत को जमा करता है टू फेस द ऑर्डियल, उस आजमाइश का सामना करने के लिए लाइंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके सामने पड़ी हुई है। अच्छा, पहला तो इसका रीज़न ये हुआ उसकी हम कलामी का कि लड़का एब्सेंट है, मैनोलिन मौजूद नहीं है, और इसके अलावा वो अकेलेपन की वजह से फ़िश के साथ और बाकी चीज़ों के साथ समुंदर में मौजूद बातें कर रहा है। सेकेंडली, दूसरी वजह क्या है, द ओल्ड मैन इज़ लॉनली ऑन द सी, ओल्ड मैन समुंदर के अंदर तन्हा है, ही इज़ फार अवे फ्राम हिज हाउस, वो अपने घर से बहुत दूर है, ही इज़ आउट टू हंट अ बिग फिश, वो दूर आया है बड़ी मछली को शिकार करने के लिए, दिस इज़ अ बिग टास्क, ये एक बहुत बड़ा काम है, ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड रेडियो, वो बहुत गरीब आदमी है और वो रेडियो अफोर्ड नहीं कर सकता, टू सेव हिमसेल्फ फ्राम लॉन्लीनेस, अपने आप को तन्हाई से बचाने के लिए, His loneliness is painful, उसकी तन्हाई पुरदर्द है, it is not only isolation which teases him, ये सिर्फ उसकी तन्हाई नहीं है जो उसको तंग करती है, but it is also the sense of fighting against the big fish and the sharks, बल्कि ये एक एहसास है लड़ाई का बड़ी मछली और sharks के खिलाफ, which grips his mind, जो उसे अपनी गिरफ्त में लेता है, he needs company, उसे कंपनी की ज़रूरत है, बाय टॉकिंग अलाउड, ऊंची आवाज़ में बात करते हुए, ही सेट्स असाइड हिज लॉन्लीनेस, वो अपनी तन्हाई को एक तरफ रखता है, एंड ओवरकम्स द फियर ऑफ हिज फो, और अपने दुश्मन के खौफ पर काबू पा लेता है। और आखिरी वजह क्या है उसकी हम कलामी की, हिज लाउड थिंकिंग एंड डायलॉग्स आर अ रनिंग कमेंट्री, उसकी जो ऊंची थिंकिंग है, सोच है, बोलना उसका, और उसके साथ उसका डायलॉग्स जो हैं वो ये एक रवां तबसरा है, एक रनिंग कमेंट्री है ऑन द डिफरेंट एक्ट्स ऑफ द नावल, नावल के मुख्तलिफ एक्ट्स पर, द ओल्ड मैन थॉट्स प्रोवोकिंग प्रोवाइड अस, ओल्ड मैन के जो ख्यालात हैं, अगेन आई एम स्पीकिंग द ओल्ड मैन थॉट्स, ओल्ड मैन के ख्यालात प्रोवाइड मुहैया करते हैं मैनी क्लूज टू हिज करैक्टर, उसके किरदार के बहुत सारे सुराग, टेम्परामेंट उसके मिजाज के, एंड डिस्पोजिशन और उसकी फितरत के। जब ये आपस में मतलब बात करता है, ख़ुद से बात करता है, या जाहिर है जब वो वहाँ पर मौजूद क्रिएचर से बात कर रहा है, दे आर अनएबल टू आंसर, इट्स मीन दैट बेसिकली ही इज़ इन सोलिलो क्वाय मॉड। तो बेसिकली जब वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो इससे हम उसकी फितरत के बारे में, उसके मिजाज के बारे में, उसके ख्यालात के बारे में हम बेहतर नतीजा ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और नावल का पोर्शन भी ख़त्म होता है पेपर ए का। आई होप कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, इंशाल्लाह हम इसका ज़रूर आंसर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।